हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय सिंह चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और यह वीडियो आप सभी की डिमांड पर ही बनाई गई है, क्योंकि मेरे बहुत से भाइयों ने पूछा है कि सर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक बेस्ट कॉइन बता दीजिए ताकि उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर लें। तो देखिए, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज मैं आपको इस वीडियो में जिस कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है कॉस्मोस एटम कॉइन। और आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी बेस्ट टोकन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसकी मार्केट में अभी क्या प्राइस चल रही है, इसने अपना कौन सा ऑल टाइम हाई बनाया है, और इसी के साथ में यह भी जानेंगे कि इसके आने वाले समय में कौन कौन से इवेंट्स हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिस टोकन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टोकन है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। तो देखिए, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अभी इसकी जो प्रेजेंट में प्राइस चल रही है यूएसडी के पेयर के अंदर, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, यहाँ पर प्राइस चल रही है इसकी 11.37 डॉलर के आसपास, और इसकी प्राइस के अंदर आप अभी देख भी सकते हैं 0.6% का एक इंक्रीमेंट दिख रहा है। यदि बात करें बीटीसी और इथेरियम के पेयर में, तो वहां पर भी इसकी प्राइस के अंदर एक इंक्रीमेंट है। मैं आपको बता दूं कि कल इसकी प्राइस के अंदर लगभग 18% तक का पंप भी देखने को मिला है। तो डियर फ्रेंड्स, यह एक बहुत अच्छा टोकन है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं धीरे धीरे। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी रैंक की, ठीक है। तो इसकी जो क्रिप्टो मार्केट में रैंक है वो आप देख सकते हैं, इसकी क्रिप्टो मार्केट में रैंक है 29 की रैंक है, और ये जो रैंक होती है वो हमेशा डिसाइड होती है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो इसका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा है। इसने अब तक कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है इसको लेकर भी मैं बात करूंगा, और आपको एक प्रूफ के साथ मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले देख लेते हैं कुछ और बातें। तो देखिए, यहाँ पे आप इसका 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हैं, 24 आवर्स लो भी देख सकते हैं, 24 आवर्स हाई भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है यहाँ पर, कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आप देख सकते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया है वो कौन सा बनाया है, तो देखिएगा, इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वो लगभग 31.7 डॉलर के आसपास बनाया है, और अभी इसके ऑल टाइम हाई से लगभग 63.50% तक की डिक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह आपने देखा, आपको इसके अंदर थोड़ा नीचे की ओर लेके जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इसके आने वाले समय में कुछ इवेंट्स भी हैं। देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात हमेशा बैठी होती है कि सर ये जो इवेंट्स होते हैं किसी भी टोकन के, वो इवेंट्स तो हो जाते हैं लेकिन उस टोकन की प्राइस के अंदर पंप देखने को नहीं मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि आप जो इवेंट्स देख रहे हैं, इन इवेंट्स का इफेक्ट उसकी प्राइस के अंदर आने वाले समय के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर किसी टोकन के कुछ इवेंट्स हैं आने वाले समय में, तो आप ये खुद सोचिए कि उस टोकन के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, वो इन फ्यूचर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इन इवेंट से यह बात जरूरी नहीं होती है कि प्राइस उस दिन ही बढ़े जिस दिन इवेंट है, उसके बाद में भी प्राइस बढ़ सकता है, उससे पहले भी प्राइस बढ़ सकता है। तो आपकी शायद यह गलतफहमी दूर हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो अभी आप इनके यहां पर दो इवेंट देख सकते हैं। पहला इवेंट आप देख सकते हैं 30 सितंबर को है, दूसरा है 31 दिसंबर को है, ठीक है। और 2021 में ही दोनों इवेंट्स है, और मैंने कहा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है, यह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आप यदि इसको होल्ड करते हैं तो। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं इसके टेक्निकल एनालिसिस पर, और वहां से मैं आपको इसका प्रूफ भी बताना चाहूंगा कि इसने किस प्रकार से कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो अब मैं आपको लेकर आ गया हूं इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस टोकन में इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने पार्ट्स में हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यदि आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है तो। सबसे पहली बात कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करें, तो देखिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतना ही करें जिसको करने के बाद में आप उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि यह वीडियो उन सभी के लिए है जो कि एक बेस्ट कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने इससे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। और देखिए, यह मेरा खुद का एक फेवरेट टोकन है, और अभी भी इस डिप में मैंने इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और यदि और डिप देखने को मिलता है तो मैं और एंट्री लूंगा लॉन्ग टाइम के लिए।
तो अब बात करते हैं कि कितने पार्ट्स में हमें इस कॉइन के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि इसके अंदर एक साथ एंट्री नहीं लेनी है, आपको इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है। जैसे मान लो कि आप इस कॉइन के अंदर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहली एंट्री आप 20 रुपये की बनाओ, दूसरी एंट्री आप 35 रुपये की बनाओ, और जो तीसरी एंट्री आप वो 45 रुपये की बनाओ। इस तरीके से आप 3 एंट्री बनाओ, ताकि यदि आप जो तीसरी एंट्री लेते हैं और यदि मान लीजिए इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिलता है, तो आप जो तीसरी एंट्री लेंगे, जो बहुत बड़े डिप के अंदर लेंगे, तो उससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और यह तीनों एंट्री आपको अलग अलग लेवल पर लेनी है। जैसे अभी आप एक फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं और फिर दूसरी एंट्री आप इसमें उस टाइम पर लो जब इसके अंदर आपको फिर से एक बड़ा डिप देखने को मिले, और इसी प्रकार से तीसरी एंट्री भी बना लो अपनी जैसे आपको एक बड़ा डिप देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इसकी प्राइस अभी नीचे और जा सकती है? देखिए बेशक इसकी प्राइस नीचे जा सकती है, क्योंकि अभी बिटकॉइन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी और यह आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देगा। जैसे ही बिटकॉइन में वापस से एक बुल रन देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी प्राइस बहुत ऊपर तक देखने को मिल सकती है, ऑल टाइम हाई से भी ऊपर देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटली देखें तो बहुत अच्छा टोकन है। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। हो सकता है कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट लो और उसके बाद में 2-3 दिन बाद के अंदर इसकी प्राइस आपको नीचे देखने को मिले, तो फिर उस स्थिति के अंदर आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपने जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉन्ग टर्म को सोच के किया है, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि यह एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो अब अपन बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। देखिए मैं आपको इसके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस को कौन कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस मिल सकता है और कौन कौन से लेवल पर इसकी प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। इसी के साथ में अपन यह भी जानेंगे कि 2021 में इसकी प्राइस कौन से लेवल तक देखने को मिल सकती है और 2022 के अंदर इसकी प्राइस के लिए क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। पहले मैं आपको थोड़ा पीछे की ओर लेकर चलता हूँ और वहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि इसने पीछे की साइड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स क्रिएट किए थे, और जब इसकी प्राइस ने उन चैनल्स को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया, तब इसकी प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिला है। तो वो सब कुछ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ विद प्रूफ। तो देखिएगा, आपको मैं पीछे की ओर लेकर चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप ये जो लेवल देख रहे हैं, ये लेवल लगभग $5 के आसपास है, और इस टोकन की जो प्राइस $5 के आसपास चल रही थी, वो टाइम था लगभग 15 फरवरी 2020 के आसपास। फिर क्या हुआ, इस लेवल के बाद में इसकी प्राइस हमें नीचे देखने को मिली और इसकी प्राइस इस लेवल तक देखने को मिली। कौन सा लेवल? जो ग्रीन कलर का लाइन आप देख रहे हैं, $1.6 के आसपास। फिर क्या हुआ, इसकी प्राइस के अंदर धीरे धीरे पंप होने लगा और इसकी प्राइस धीरे धीरे पंप करते करते इस लेवल तक, यहाँ तक पहुँच चुकी थी। फिर इसकी प्राइस ने एक चैनल क्रिएट किया और इसकी प्राइस उसी चैनल के अंदर पंप और डंप कर रही थी, जो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, लगभग अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो टाइम है। तो इसी एक एरिया के अंदर पंप और डंप कर रही थी। फिर हुआ क्या, जैसे इसकी प्राइस ने इस चैनल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया, फिर इसकी प्राइस के अंदर धीरे धीरे पंप देखने को मिला और इसकी प्राइस पंप करते करते इस लेवल तक पहुँच गई थी। कौन सा लेवल? जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लू कलर की जो लाइन है, देखिएगा यहाँ पर इसकी जो प्राइस थी इस लेवल से, यानी कि $1.6 से बढ़ते बढ़ते प्राइस इस लेवल तक पहुँच गई। कौन सा लेवल? $8.99 तक पहुँच गई। फिर इसकी प्राइस धीरे धीरे वापस नीचे देखने को मिली और आप देख सकते हैं इसकी प्राइस यहाँ तक नीचे देखने को मिली, इस लेवल तक। फिर इसकी प्राइस ने एक चैनल क्रिएट किया और फिर इसकी प्राइस उसी चैनल के अंदर वापस से पंप और डंप करने लगी, जो आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर इसकी प्राइस ने इस चैनल को जैसे ही ऊपर की साइड में वापस से ब्रेकआउट किया और फिर देख सकते हैं आप इसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ते 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 इस लेवल तक देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो कलर की जो लाइन है वहाँ तक, यानी कि वापस से इसकी प्राइस इस लेवल से, यानी कि $8 से इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुँची। कौन सा लेवल है यह? $26 के आसपास। माय डियर फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी प्राइस वापस नीचे आई और फिर इसकी प्राइस ने एक चैनल क्रिएट किया, यहाँ पर चैनल क्रिएट किया, यहाँ पर चैनल क्रिएट किया, फिर से यहाँ पर एक और चैनल क्रिएट किया, फिर इसकी प्राइस इसी चैनल के अंदर पंप और डंप करने लगी और फिर से जैसे ही इसकी प्राइस ने इस चैनल को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट किया और इसकी प्राइस वापस से अपने को इस लेवल तक देखने को मिला। कौन सा? जो आप ग्रीन कलर की जो डॉट वाली लाइन देख रहे हैं, वो लेवल तक देखने को मिली, यानी कि $32 के आसपास देखने को मिली। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि इसकी प्राइस इस लेवल के आसपास चल रही थी, इस लेवल से इसकी प्राइस इस लेवल तक देखने को मिली और इसकी प्राइस ने फिर आगे चलकर एक चैनल क्रिएट किया, ये वाला, फिर एक और चैनल क्रिएट किया यह है, फिर एक और चैनल क्रिएट किया यह है, और इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर इसकी प्राइस ने एक और चैनल क्रिएट किया है, ये जो आप देख सकते हैं। देखिए प्राइस
इस लेवल से इस लेवल तक अपन को देखने को मिली, फिर प्राइस अपन को इस लेवल तक देखने को मिली, और फिर इस लेवल से प्राइस अपन को ये जो डॉट डॉट वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं इस लेवल तक अपन को देखने को मिली। हुआ क्या, जब प्राइस इस लेवल तक पहुंची, ठीक है, $32 तक पहुंची, तब मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रेश देखने को मिला, बिटकॉइन की प्राइस लगातार नीचे देखने को मिली, जिसके चलते जितने भी अल्ट कॉइन्स थे उनके प्राइस के अंदर भी बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। अब प्राइस इस लेवल से घटते घटते इस लेवल तक अपने को देखने को मिली, फिर इसकी प्राइस धीरे धीरे पंप होकर इस लेवल तक पहुंची, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हैं इस लेवल तक। लेकिन ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हैं वहां पर इसकी प्राइस को एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मिला, जिसके चलते इसकी प्राइस वापस से नीचे देखने को मिली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसकी जो प्राइस थी वो इस लेवल तक नीचे देखने को मिली। अभी मैं आपको बता दूं कि इसकी प्राइस लगभग 1/3 तक नीचे आ चुकी है। तो यदि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एंट्री का एक बहुत बढ़िया टाइम है। और इसके साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। देखिए, अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो आप देख रहे हैं इस लेवल के आसपास चल रही है लगभग, ठीक है। यदि इस लेवल के बाद में इसकी प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है तो इसको जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास मिलेगा। मैंने लिख रखा है यहाँ पे $16 के आसपास, ठीक है, और संभावना पूरी है कि इसकी जो प्राइस है वो $16 तक आपको देखने को मिले आने वाले 7-8 दिन के अंदर, यदि बिटकॉइन की प्राइस अपन को $40,000 या $42,000 तक देखने को मिलती है तो। अब यदि इसकी प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देती है और वहाँ पे यदि इसको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो प्राइस है वो आपको इस लेवल तक देखने को मिलेगी, कौन सा, $24 के आसपास। और ये जो $24 का जो आसपास का जो लेवल है वो यहाँ पर इस टोकन की प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा बड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि यदि अगर इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की अगर बात करें 2021 में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के लिए अपन को $45,000 या $50,000 के आसपास देखने को मिलता है तो एटम कॉइन की प्राइस भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए $24 तक देखने को मिल सकती है, जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। और यदि अब बात करें कि बिटकॉइन यदि अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है तो फिर उस स्थिति के अंदर इस एटम टोकन की प्राइस 2021 या 2022 के लिए कहां तक जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं इसकी प्राइस आपको $100 तक भी देखने को मिल सकती है। ये मेरे खुद के टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मैंने देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर एक बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि क्या क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना और इसके साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आपको कि इसकी जो प्राइस है उसको एक इस लेवल के आसपास की प्राइस को एक सपोर्ट लेवल भी मिल सकता है यदि इसकी प्राइस नीचे आती है तो, जो मैंने आप बना रखा है लगभग $9 के आसपास का जो लेवल है वो इसकी प्राइस के लिए एक बेस्ट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।